आप देख रहे हैं News 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और एक बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं यूपी की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और यूपी से आज की पहली बड़ी खबर, आज सीएम योगी कोरोना माफ कीजिएगा कैराना के दौरे पर हैं। और दौरे की खास बात इसमें यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना में पलायन के बाद लौटे परिवारों से मुलाकात उन्होंने की है, बात की है, उनका दुख जाना है। परिवारों से मुलाकात कर सीएम योगी ने उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और कहा कि पुरानी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, बीजेपी राज में एक नया विश्वास बना है। ये यकीन उन परिवारों को सीएम ने दिलाया। और मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, और क्या बातचीत हुई है उन परिवारों के साथ सीएम की? देखिए, अपने आप में इस कार्यक्रम के बहुत बड़े सियासी मायने हैं, क्योंकि कैराना वो स्थान है जिसने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार को पलटने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त मुझे याद अच्छी तरीके से कि हुकुम सिंह इस पूरे मसले को लेकर के लखनऊ आए थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। लेकिन अगर आज कैराना में जो लोग पलायन कर गए थे वो परिवार, हिंदू परिवार वापस आ रहे, तो निश्चित तौर पर इसका जो श्रेय है वो योगी सरकार जरूर लेगी। और उसका जिक्र अमित शाह ने भी अपने बीते दिनों जो लखनऊ में रैली हुई थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से कोई पलायन नहीं कर सकता, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। तो अभी तो मुलाकात हो रही है, निश्चित तौर पर वो मीडिया से भी बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसके बड़े सियासी मायने, और खासतौर से ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में है, निश्चित तौर पर इसके बहुत बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा रही है हिंदू मतों को एकजुट करने के दृष्टि से अगर आप देखें तो। मानस, में लौट रही हूँ दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का, जल्दी से रुक कर लेते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का तीसरा चरण 13 नवंबर से शुरू हो रहा है और खास बात इसमें यह है कि विजय यात्रा की शुरुआत सीएम योगी के घर गोरखपुर से हो रही है और ये यात्रा गोरखपुर से कुशीनगर तक जाएगी। तो पहले ही वहां पर धाक जमाएंगे अपनी अखिलेश यादव योगी के गढ़ में। मानस, देखिए, एक तरीके से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि 13 नवंबर को ही वो दिन है जिस दिन अमित शाह आजमगढ़ यानी अखिलेश यादव के क्षेत्र में होंगे। तो इस बार अखिलेश यादव जो तीसरा चरण है विजय यात्रा का वो गोरखपुर से निकाल रहे हैं, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप वहां पर हुंकार भरेंगे तो हम यहां पर भी मजबूत हैं। मानस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों खबरों पर जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थी यूपी की ब्रेकिंग न्यूज आज की। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप देखते रहिए News 24।